नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के चौहान, NIOSH से सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ एंड योग। कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आप थ्योरी का पार्ट भी पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से संबंधित भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी कि मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी चिकित्सा पद्धति को ठीक से जानने के लिए, किसी भी सिस्टम में ट्रीटमेंट करने के लिए किसी भी चिकित्सक को ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्रॉपर आनी चाहिए और उसे जाननी चाहिए। जहाँ तक हेल्थ वर्कर का सवाल है तो हेल्थ वर्कर्स को तो कम से कम उस सिस्टम्स में हम यदि बात करें कि किस तरह की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो एक हेल्थ वर्कर को कम से कम सारे जो हमारी बॉडी है, बॉडी से संबंधित जो हमारी सेल्स हैं, टिश्यू हैं और उनके साथ ऑर्गन सिस्टम्स, और ये सारे सिस्टम्स हमें आने चाहिए। साथ में हमें इनकी लोकेशन, ऑर्गन्स की लोकेशन भी पता होनी चाहिए, इनकी कार्यप्रणाली पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं, लेकिन एक अधिक से अधिक जानकारी आपको हो ऐसा मानना है। तो हेल्थ वर्कर्स को आज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान जो मानव शरीर से संबंधित आपका जो सिस्टम्स हैं जितने भी, उनकी आप चर्चा करेंगे हम आपके साथ और साथ में आपको बताएंगे कि ये सिस्टम्स आपको प्रॉपर ठीक से आने चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सेशन में हमारे साथ डॉक्टर निधि गर्ग, मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर निधि गर्ग जी, आप फिजिशियन हैं और आपके इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन में वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और इके सिस्टम्स को लेकर के आपसे चर्चा करेंगे और आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का प्रॉपर सेशन देंगे। डॉक्टर निधि, नमस्कार। शिक्षार्थी, आज हम मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर विभिन्न संरचनात्मक स्तरों का एक जटिल संगठन है, जिसका आरंभ परमाणुओं, अणुओं एवं यौगिकों से होता है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं संस्थान या तंत्र परस्पर मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो आज हम इन सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। मानव शरीर कोशिकाएं, ऊतक, अस्थियां, पेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा आंतरिक अंग जैसे कि हृदय, यकृत, फेफड़े आदि से मिलकर बना है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक रचना अर्थात मानव शरीर रचना तथा उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों की प्राकृतिक क्रिया अर्थात शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों के कारण तथा होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है, उसे शरीर क्रिया विज्ञान अर्थात फिजियोलॉजी कहते हैं। इन सब के विषय में जानना इसलिए जरूरी है, एज अ हेल्थ वर्कर आपको पता होना चाहिए कि हम एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हैं या फिजियोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमी किसे कहते हैं और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम छोटी सी डेफिनेशन हमने आपको यहाँ पर बताई है कि हम शरीर रचना विज्ञान किसे कह रहे हैं, जिसमें आपके शरीर की बनावट कैसे है, कैसे बनी है, तो जो नेचुरल आपका फॉर्मेशन है वो बॉडी का कैसे है, वो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, और उनका नेचुरल फंक्शनिंग कैसी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी अर्थात उनका नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है, वो सब हम फिजियोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की, तो हमें पता होना चाहिए कि शरीर में हमारे ऑर्गन्स या हमारे सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम फिजियोलॉजी के माध्यम से पढ़ते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अभी हमने शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जाना कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, जिसमें हम नॉर्मल फंक्शनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी में नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब आप फिजियोलॉजी के माध्यम से जानते हैं। और जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किससे बने हुए हैं, ये सब हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। या जैसे आप मान लीजिए खाना खाते हैं, तो खाना खाने में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं,
उनका पाचन कैसे होता है, उनका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, उनका मेटाबॉलिज्म शरीर में कैसे हो रहा है, उनका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ये सब हम नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर जानते हैं। जब तक हम नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे तो किसी की पैथोलॉजी जानना हमारे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से बना है जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं शरीर की सबसे लघुतम मूलभूत संरचनात्मक अर्थात संरक्षण एवं क्रियात्मक अर्थात फंक्शनल इकाई होती है, यूनिट होती है। एक सेल जो है आपका अपने आप इंडिविजुअल फंक्शन करने में समर्थ होती है। इसमें भी विभिन्न ऑर्गन्स हम बोल सकते हैं कि होते हैं जिसके माध्यम से एक सेल का फॉर्मेशन होता है। सेल्स जो है आपकी विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, उनकी फॉर्मेशन अलग होती है, उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। तो आइए पहले हम सबसे पहले सेल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सेल जैसा भी हमने जाना कि मानव शरीर की सबसे मूलभूत लघुतम मूलभूत संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट सेल है। सेल का निर्माण अंदर से बाहर की ओर अर्थात इनसाइड टूवर्ड्स आउटसाइड तीन भागों में होता है, जिसमें कि न्यूक्लियस, साइटोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की लेयर होती है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए, जीन्स ये सब पाया जाता है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो कि हम कोशिका द्रव्य एक फ्लूइड रहता है जिसके अंदर विभिन्न इसके ऑर्गन्स जो सेल को काम करने में मदद करते हैं वह पड़े रहते हैं, जिसके अंदर है आपके लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, ये सब आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इन सब को कवर करने के लिए देखिए कोई भी चीज़ है अगर उसकी कवरिंग नहीं होगी तो वो फैल जाएगी, तो इसकी जो कवरिंग है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके माध्यम से यह स्ट्रक्चर्स जो है एक अंदर बने रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही जो सेल है वह अपने सारे कार्य कर पाती है। इसको जो ऑक्सीजन मिलता है या पोषण मिलता है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कर पाती है। ऊतक अर्थात टिश्यूज समान गुण वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कार्य को करने वाली अनेक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे अभी हमने पीछे जाना था कि कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक ही कोशिका अलग अलग तरह के कार्यों को नहीं कर सकती है। जब एक ही प्रकार की कई सारी कोशिकाएं एक ही कार्य को करने वाली अर्थात एक विशिष्ट कार्य को करने वाली कोशिकाएं एक समूह बना लेती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। इन्हें हम मुख्यतः चार भागों में विभाजित करते हैं, उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये चारों प्रकार के टिश्यूज आपकी बॉडी में कैसे दिखते हैं या कैसे होते हैं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है, अर्थात जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं ये सब एपिथेलियल टिश्यू से निर्मित है, या जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग्स होती है वह आपके एपिथेलियल टिश्यू से या उपकला ऊतक से बनी होती है। इसके उदाहरण है जैसे त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन ऊतकों के कार्य क्या है? इन ऊतक के कार्य है ये ऊतक अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन और उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रीशन का कार्य करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं इनके कई तरह के प्रकार है, जैसे सरल घनाकार उपकला टिश्यू है, सरल शंकी उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, मिश्रित स्खलित शंकी उपकला। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू इसे हम संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। इसका नाम आप कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ही जान सकते हैं कि जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं कि यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ता है अर्थात संयोजन प्रदान करता है। ये कई प्रकार के होते हैं जिनके उदाहरण है रक्त, अस्थि, उपास्थि, वस्य ऊतक, एडिपोज टिश्यू। आपको अचरज होगा कि ब्लड जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, हम इसको फ्लूइड के रूप में लेते हैं लेकिन ये भी बॉडी में एक टिश्यू के माध्यम के रूप में काम करता है। इनका मुख्य कार्य है अंगों को आच्छादित करना, उनको ढकना, कवरिंग देना, उन्हें सही स्थान पर रखना तथा शरीर को एक ढांचा प्रदान करना इनका मेन फंक्शन है। चित्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज को देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखेंगे। मस्कुलर टिश्यू पेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू आपके शरीर की गति में सहायक होते हैं। इनकी कोशिकाएं संकुचित अर्थात कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, कार्डियक मसल, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री मसल्स।
जो आपके कार्डियक मसल्स हैं आप देख सकते हैं इनकी बनावट अलग होती है, और जो आपके वॉलंटरी मसल्स हैं इनको हम एचिंग अर्थात अपनी इच्छा से काम आप कर सकते हैं, और ये रेखापूर्ण होते हैं इसलिए इनको हम रेखीय ऊतक बोलते हैं। इन वॉलंटरी मसल्स आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं इसलिए अनैच्छिक इनको हम बोलते हैं, और ये इनमें कोई रेखा नहीं पाई जाती है इसलिए ये अरेखीय मसल्स भी कहे जाते हैं। वॉलंटरी मसल्स जो हैं आपके सारे बोन से ओरिजिन लेते हैं, और आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं या लेग मूवमेंट्स हैं उसमें आपकी सहायता करते हैं, और इन वॉलंटरी मसल्स जो हैं आपके इंटेस्टाइन इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिसमें कि आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो संदेशों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात यह आपके बॉडी की एक फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन दूसरे ब्रेन तक पहुंचाता है कि ब्रेन को क्या एकदम से ऑर्डर देना है या फिर क्या उसे एकदम से डिसीजन लेना है, यह सब कार्य नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है। इसकी एक यूनिट को हम न्यूरॉन कहते हैं। जो नर्वस टिश्यू है आपका वो न्यूरॉन तथा नर्व फाइबर से मिलकर बनता है, यही नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और एनाटॉमिकल यूनिट होती है। आप चित्र में एक नर्व सेल का देख सकते हैं कि वह कैसे कैसे बनी हुई है। अब हम आइए जानते हैं संक्षेप में कि मानव शरीर का संगठन कैसे है। मानव शरीर में एक ध्रुवीय एक्सियल भाग तथा उपांगीय पेंडिकुलर भाग होता है। ध्रुवीय भाग जो एक्सियल भाग है उसमें से गर्दन तथा धड़ पाया जाता है, जबकि उपांगीय भाग उसमें ऊपरी तथा निचले अंग शामिल होते हैं। इस प्रकार मानव शरीर को हम 6 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऊर्ध्व शाखाएं जिसे हम अपर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं दो होती हैं, अधः शाखाएं लोअर एक्सट्रीमिटीज दो, सिर गर्दन तथा चेहरा एक भाग और धड़ गर्दन एक। ऊर्ध्व तथा अधः शाखाएं जो हमारी अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, धड़ के ऊपरी तथा निचले सिरों पर ऊर्ध्व तथा अधः शाखाओं के जोड़े हैं, अर्थात आपके दोनों साइड्स एक एक पैर ऊर्ध्व और अधः शाखा में है, दोनों तरफ आपके हाथ और पैर पाए जाते हैं। ऊर्ध्व शाखा में पीछे की ओर दो अंशफलक स्कैपुला जिसे हम कहते हैं जुड़े हुए हैं, और सामने की ओर क्लैविकल होती है, और मध्य में स्टर्नम होती है जिनसे ये आपस में जुड़े होते हैं। इसका ऊपरी भाग आर्म और निचला भाग फोरआर्म कहा जाता है। अधः शाखा के ऊपरी भाग को उरु अर्थात थाई कहते हैं, जिसमें उर्वस्थि फीमर होती है जो श्रोणी की अस्थियों से जुड़ी होती है, श्रोणी अर्थात पेल्विस से जुड़ी होती है। नीचे के भाग में दो अस्थियां जंघास्थि जिसे हम टिबिया और अनुजंघास्थि फिबुला होती है। सिर के बारे में बात करते हैं, इसकी अस्थियां कपाल अर्थात स्कल का निर्माण करती हैं, इसी में मस्तिष्क रहता है। कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है, इसके मुख्य भाग आंख नाक कान मुंह और ठोड़ी है। गर्दन इसमें वर्टिब्रल कॉलम का सर्वाइकल पार्ट आता है, गर्दन से पेशियां सिराएं कंठ श्वासनली ट्रैकिया ईसोफेगस आदि पक्ष में आते हैं। धड़ ट्रंक जिसे हम कहते हैं, यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है, इसमें सभी बड़े बड़े अंग स्थित होते हैं। यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है जिसे गुहा अर्थात कैविटी कहा जाता है। यह 3 भागों में विभक्त किया जाता है, थोरैसिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। पहले जानते हैं वक्ष गुहा के बारे में। थोरैसिक कैविटी, यह वक्ष गुहा पसलियों अर्थात रिब्स और उनसे संलग्न पेशियों से बनी है। यहाँ हृदय फेफड़े श्वासनली ग्रासनली तथा थाइमस ग्रंथि स्थित है। वक्ष और उदर गुहा को एक मांसपेशी स्नायु डायफ्राम ये अलग रखते हैं। उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी, वक्ष के नीचे की गुहा को हम उदर गुहा कहते हैं, यह वक्ष की अपेक्षा बड़ी होती है। यह डायफ्राम से प्रारंभ होकर नीचे श्रोणी प्रवेशिका अर्थात पेल्विक इनलेट तक होती है। यहाँ अमाशय आंते लीवर पित्ताशय पैनक्रियास स्प्लीन किडनी आदि ऑर्गन मिलते हैं। श्रोणी गुहा पेल्विक कैविटी, यह चारों ओर से श्रोणी अस्थि अर्थात पेल्विक बोन से घिरा है। इसमें छोटी आंत की कुंडलियां बड़ी आंत के अंतिम भाग जैसे कि आपका ट्रांसवर्स लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम मलाशय मूत्राशय तथा आंतरिक जननेंद्रियां जैसे महिलाओं में गर्भाशय ये सब पाए जाते हैं। अंग और अंग संस्थान ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इनके बारे में अब हम जानेंगे। अंग एक विशिष्ट ऊतकों का समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया को निष्पादित करते हैं, उदाहरण जैसे हृदय यकृत गुर्दा आदि। जैसे आपने पढ़ा था अभी हमने जाना कि जो विभिन्न प्रकार की सेल्स हैं, जब एक विशिष्ट क्रिया को करने वाली सेल्स का एक समूह बनता है तो उसे हम ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार
क्रिया को करने वाला अंतर जब समूह को बना लेता है तो उसे हम अंग कहते हैं, जैसे हृदय है, यकृत है, लीवर या किडनी आदि। और जब एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंग आपस में मिलते हैं, एक समूह बनाते हैं, तो उन्हें हम संस्थान या तंत्र कहते हैं। शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशिष्ट तंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में 10 विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं, जिसमें है सबसे पहले त्वचा तंत्र, जिसे हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम कहते हैं। दूसरा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। मूत्रवाह तंत्र, यूरिनरी सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त अन्य सभी तंत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं। इन तंत्रों के अतिरिक्त मानव शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, जिसे हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं, भी होती हैं, जिसे हम नेत्र, कर्ण, नासा, जीवा, त्वचा कहते हैं। जैसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं। शिक्षार्थियों, आपने जाना कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रैक्टिकल का अभ्यास है वो ह्यूमन बॉडी संबंधित उससे सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। आपको पता लगा कि सारी सेल्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सेल्स से मिलकर के पूरी ह्यूमन बॉडी बनी है और सेल्स मिलकर के बनाती हैं टिश्यू और जो टिश्यू मिलते हैं तो आपस में मिलकर के बनाते हैं किसी एक ऑर्गन को। यानी कि समान जो सेल्स हैं वो एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पर फिर टिश्यू बनते हैं जो कार्य समान होते हैं और समान जो टिश्यूज हैं एवं डिफरेंट टिश्यूज में मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन बनाते हैं और उसके बाद ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को। तो आपने ये जानकारी प्रैक्टिकल के माध्यम से प्राप्त की और जो 10 सिस्टम्स हैं इनको भी आप एक एक करके डिटेल्स में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए आपका ये प्रैक्टिकल है, फर्स्ट नंबर का जो अभ्यास है ये यहाँ पर समाप्त हुआ है, जिसमें आपने ये जानकारी प्राप्त की। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर निधि गर्ग का, जो हमारे साथी हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने आपको इसको समझाया और साथ ही आपका भी बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा और इसके बाद हम अगले कार्यक्रम में आपको एक एक तंत्र को लेकर के, यानी एक सिस्टम को लेकर के